दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के पिछले सत्र के खराब प्रदर्शन के बाद अपने कोचिंग सेट अप में बदलाव किए हैं और कुछ खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया है, लेकिन दिनेश कार्तिक उनके साथ बरकरार है क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकी मैसूर को उनकी कप्तानी पर काफ़ी भरोसा है। टीम का आईपीएल का पिछला सत्र काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, लेकिन कार्तिक को भारत के सर्वश्रेष्ठ T20 कप्तानों में से एक गौतम गंभीर के बाद टीम की कमान सौंपी गई थी। यह कार्तिक के लिए दूसरा ऐसा मौका है और अगर इस बार भी टीम का प्रदर्शन लचर रहा तो शायद उन्हें एक और भी मौका नहीं मिलेगा। पिछले सत्र में पहले 5 में से 4 मैच जीतने के बाद टीम ने लगातार 6 मैच गंवाए और काफ़ी करीब से क्वालिफायर स्थान से चूक गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 शानदार सत्र में जमैक के स्टार हरफ मॉल आंद्रे रसल का लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रहा है और वह 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गए। उन्होंने 56.66 से 510 रन जोड़े थे और वह उनके सबसे ज़्यादा 11 विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी रहे, लेकिन कुछ मौक़ों पर रसल डग आउट होने में पैर लगाकर बैठे हुए निराश भी दिखे क्योंकि उन्हें टीम को जीत तक ले जाने के लिए काफ़ी गेंद खेलने को भी नहीं मिली थी। तो ये एक अच्छी बात नहीं देखने को मिल रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर।